बस के नीचे 3 घंटे दबा रहा युवक घटनास्थल पर रहा अव्यवस्था का आलम। अरे मुझे निकालो, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बीवी बच्चे छूट गए, कुछ तो करो। नगरोटा से शिमला आ रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बस के नीचे दबा युवक दर्द से कहराते हुए बार बार यही बोल रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद 5:45 पर युवक को बस के नीचे से निकालकर अस्पताल भेजा जा सका। कमर तक बस के नीचे दबा युवक करीब 3 घंटे तड़पता रहा। राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंची क्रेन की वायर ही टूट गई। दोपहर 2:30 हादसा हुआ और दूसरी क्रेन पहुंचने में 2 घंटे लग गए। राजधानी से सटे हीरा नगर के पास हुए बस हादसे ने सरकार के आपदा प्रबंधन के दावों की पोल खोल के रख दी है। कोरोना और मंकी पॉक्स के खतरे से निपटने के लिए बनेगी रणनीति, ये निर्णय भी संभव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज वीरवार को सुबह 10 बजे के बाद शिमला स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा मंकी पॉक्स के खतरे से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर विमर्श होगा। बताया जा रहा है कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण सरकार प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक जगह पर शारीरिक दूरी के नियम का पालन भी सुनिश्चित करवाया जा सकता है। मंकी पॉक्स के खतरे से निपटने के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड बनाने व अन्य तैयारियों पर भी चर्चा संभव है। उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को सस्ता रिफाइंड तेल देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब सरसों के बाद अब रिफाइंड तेल भी सस्ता मिलेगा। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति निगम ने टेंडर आमंत्रित किए हैं। गुरुवार तक कंपनियों को तेल के सैंपल जमा करने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें 4 कंपनियों ने टेंडर में भाग लेने की बात कही है, लेकिन अभी तक एक ही कंपनी ने तेल का सैंपल जमा कराया है। हिमाचल के स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में गुरुवार और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 30 जुलाई से बरसात की छुट्टियां समाप्त होने के बाद नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। निदेशालय की ओर से स्कूलों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों के बीच उचित 2 गज की दूरी बनना सुनिश्चित की जाए, भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोने के महत्व को समझाया जाए।